मतलब वीर हमार बेटा बा। वीर के जन्म देवे वाली माँ आप बानी राजेश्वरी। This is for you, Rani sir. राज माता ये आप रखी, ये आपके ज्यादा सूट करी के वो और के खुश रखे खातिर हम अपन स्टैंडर्ड ना गिरा सके नी। एकरा से बेटर ये राहत कि वहीं पर मर जात। हम तरह के सब कुछ देनी वीर, आसमान पे रख ले बानी तरह के तुहारी दिल और दिमाग हमेशा ही वर्थलेस लो क्लास लोगन में ही खोयल रहेला। पराया पराया ही हो खेला, कबो आपन न हो सकेला। शायद तू और हम हमेशा पराया ही रहब, कहे कि कल के आए लोग तोहार आपन जे हो गेल बाड़े। वीर 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 हमार हमार बेटा बा। हम हमेशा ओकरा के नजायज समझनी। कहे कहनी आप हमरा संगे सन रानी सा। रानी सा वीरू हम अभी भी आप सफाई देवे के कोशिश कर रहल बनी रानी सा। हमार लाइसेंस हमसे छीन लिया गई, सबके सामने बेइज्जती भइल हमार, सालों के हमार मेहनत बर्बाद हो गई रानी सा। कहे कि आप पानी में केमिकल मिला के हमके पिला देनी रानी सा। अपना ही जिद में इतना अंधा हो गई बनी आप कि एक इंसान के जान के खतरा में डाल देनी आप रानी सा। और एकरा खातिर हम आपकी जिंदगी भर माफ ना कर पाई। का गलती रहल हमार, हमार को गलती रहल का पापा, कौन गलती रहल हमार? अब जानत बनी कि बचपन से हमके ये बात के दुख नहीं के कि हम अनाथ बानी, बल्कि ये बात के दुख रहल कि आपके कोख से जन्म काहे ना लेनी हम। लेकिन आज आज हम बहुत खुश बानी, ऐसा लगत बा अच्छा बा कि हम आपके बेटा नहीं खी। कहे कि रानी सा आप हमार मां बने के लायक बानी ही ना। ना रानी सा प्लीज, हम और कुछ नहीं की सुने के चाहत और ना ही एक घर में हम रह के चाहत बने। आज तक आप रानी सा हमरा खातिर जौन कुछ भी कहले बनी ओकरा खातिर दिल से थैंक यू। लेकिन अब जा रहल बानी हम और दोबारा लौट के कभी ना आईब। डॉक्टर साहब आप कहा बोल रहल बानी आप? आपके अपन घर आप ऐसे? ना रानी, ये घर हमेशा से ही रानी सा के रहल बा। हम कोशिश बहुत कईले रानी, लेकिन अफसोस के बाद तो ये बा कि रानी सा हमके अपन कभी मनले ही ना।
ब्रो वीर वीर बेटा सुनो हमारी बात वीर वीर आप जानत बनी कि हमके बचपन से ये बात के दुख नहीं कहे कि हम अनाथ वाणी बल्कि ये बात के दुख रहल कि आपके कोख से जन्म का है ना लेनी हम लेकिन आज आज हम बहुत खुश बानी कि हम आपके बेटा नहीं खी कहे कि रानी साहब आप हमार बाप बने के लायक बानी ही ना वीर के जन्म देवे वाली माँ आप बानी राजेश्वरी और तोहरा लगल कि वीर हमार नाजायज औलाद बा आज तक आप रानी साहब हमरा खातिर जौन कुछ भी कहले बानी ओकरा खातिर दिल से थैंक यू अब जा रहल बानी हम दोबारा लौट के कबो ना आई संभाला अपने आप के राजेश्वरी हम बात करें फिर से हम उकरा समझाएं मासा हम वीर से बात करें वीर डॉक्टर साहब आप ही सही नहीं क्या करता नहीं आपके सामान भी पैक हो चुकल बा चेक कर ली कुछ छूटल तरीके छूटल है डॉक्टर साहब आपके और हमार सारा रिश्ता पीछे छूट रहा ला खोखला रहल बा माँ बेटा का रिश्ता रानी एक तरफा रहल बा और अब और ना चली देखिए डॉक्टर साहब आप ही इस सब यही खातिर कहता नहीं कहा कि आप गुस्सा में बानी अपन ही घर छोड़ के ना जा सके नहीं ना दीवार से ना बनेला रानी अपन लोग से बनेला और आज रानी सा साबित कर देले बड़ी कि वो हमारा अपन नहीं थी डॉक्टर साहब आप उनकर एक गलती की वजह से बाकी सबके पीछे छोड़ दे का रानी हम एगो अनाथ बनी समझत बनी आप अनाथ का होखेला हमार रहे ना रहे से केहू के कोनो फर्क ना पड़ी सो प्लीज मत रोकी हमके चलिए यहाँ से डॉक्टर साहब सुनी डॉक्टर साहब अपन सालों के रिश्ता के छोड़ के कैसे जा सकी नहीं आप डॉक्टर साहब अपन माँ के छोड़ के कैसे जा सकी नहीं आप हाँ डॉक्टर साहब रानी साहब आपके माँ बानी ना आज तक वो हम क्या अपन बेटा मान ले बड़ी और आज से ना हम उनके अपन माँ मानत बानी आप समझ ना रहल बानी डॉक्टर साहब रानी साहब आपके माँ बानी उनकर एक कोख से जन्म ले ले बानी आप बस रानी हमके यहाँ रोके खातिर कुछ भी कहानी मत बनाई आप चाहे कुछ भी बोल ली हम यहाँ नहीं रुके वाला प्लीज चलिए हमरा संग ना आप समझत नहीं की रानी जे कह रहल बिया वे सच बा राजेश्वरी ही तुहार माँ ही है आप भी पापा हमके यहाँ रोके खातिर आप लोग कुछ भी बोलब पापा आप जनत बनी हमारा खतरे कितना बड़ा बात बा सो प्लीज मत कहिए ये सब जाए दी हम की ना वीर यह सच बा मत जा रुक जा पापा वीर राजेश्वरी तुहार माँ ही है हम आपके आगे हाथ जोड़त बनी जाए दी हमके प्लीज रानी सामान ले ला सामान उठा ला रानी प्लीज चला हमरा संग Excuse me, पापा वीर वीर हमार बात सुना डॉक्टर साहब देखी शांत हो जाए राजेश्वरी शांत हो जाए हम वीर के समझाए वीर हमार बात सुना डॉक्टर साहब आप एक बार बात तो सुनो आप सोची तो सही की प्लीज तुहार असली माँ राजेश्वरी ही भी चेक करता नहीं डॉक्टर साहब वीर
उम्र में दूरी ना सह पाए बाप। बेटा हमार बात मान ली, घर छोड़ के मत जाए। अपन माँ के हालत देखी बेटा, दिग्विजय सच कह रहल बाड़े, राजेश्वरी ही आपके माँ भैया। प्लीज दादी सा, हमके रोके खातिर ही झूठा बेवजह के रिश्ता मत बनाइए आप। जा रहल बानी, चला रानी। हम कहीं नहीं खे जाए, नहीं आपके जाए दे। रानी अपन सब कुछ पीछे छोड़ रहल बानी हम। रानी अब अगर ऐसे में आपके साथ छूट गेल था, खुद के कबो संभाल ना पाई हम। प्लीज चला हमरा संग। विक्रम समझाई वीर के, वो आपके बड़ भाई बड़े, आपके बात जरूर मानिए। ब्रो ब्रो, ये आप का कर रहल बनी ब्रो? विक्रम हट ब्रो, आप घर छोड़ के नहीं की जा सकत। प्लीज विक्रम, विक्रम जाए दे, हम आपके ला जाए दे। विक्रम हम फैसला कर ले बनी, अब हम ना रुकब ना ब्रो। विक्रम अब आप एक घर के इकलौता बड़ा बेटा बने ना ब्रो, सबके ख्याल रखब विक्रम। दिग्विजय प्लीज वीर के रोक लेना, हम अपन बेटा के बिना ना रह पाए। वीर वीर, आपके होश आ गए? बोल पा रहा अलबानी किसे? वीर हमारे पास सुना भी बताई। वीर ये सब सही कहा था लोग। वीर राजेश्वरी ही तहार माहिया।
के बानी आप और आप हमरा बारे में ये सब कैसे जानत बानी? रानी सा के कैसे जानत बानी आप? ये सब का हो रहल बा रानी? का कर रहल बाड़े? ये हम सब के कैसे जानत बाड़े? और ये सन काहे कह रहल बाड़े कि रानी सा हमार माँ बाड़ी? क्यों उनसे बताई का हो रहल बा? डॉक्टर साहब, ये आपके बाऊजी बाड़ा। हमार और राजेश्वरी के रिश्ता तय कर ले रहा दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही हमरा एहसास भइल कि हम अबो इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाए खातिर तैयार नहीं की। हम फैसला लेनी और सब कुछ छोड़ छाड़ के हम दिल्ली चल गई नहीं। लेकिन कुछ ही साल में ये बात हमरा समझ में आ गई कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह भइल बा। हम बहुत बड़ा अपराध कइले बानी। हम हिम्मत जुटैनी और हम एजा वापस आईनी। हाँ मासा, हम एजा वापस आयल रहनी, लेकिन एजा आइला के बाद पता चलल कि राजेश्वरी तक कुमा में चल गई रहनी और एक अरसा कुमा में रहला के बाद जब वो ठीक हो गई था तो दिग्विजय उनका सहारा बन गई रहनी। हमारी गलती सुधारे खातिर हमारे भाई राजेश्वरी के साथ शादी कर ले लस। दोबारा हम अपन परिवार के दुख के कारण ना बने के चाहत रहे, यही से हम दिल्ली वापस लौट गई नहीं। और कुछ साल पहले दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक ट्रक के साथ हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गई। और हम कोमा में चल गए नहीं। किस्मत के खेल देखी के इलाज के बहाना हमार किस्मत हमरा के
हमरा के अपन बेटा के लगे लेके आई, अपन वीर के लगे। आज जब होश आये तो हम अपना के अपना घरे पहनी, अपन घर में अपन परिवार के बीच। हमार पूरा जिंदगी एक झूठ बा। इतना साल तक आप अब सब हमके धोखा में रखने। हमारी यकीन करा वीर, हम सब के बारे में कुछ ना जाना था नहीं, हमरा के भी आज ही सच पता चलन। रिश्ता में जब भरोसा टूट जलाना रानी सा, तो के जोड़ल जा सके ना। जब वो कमजोर हो जाए तो दोबारा मजबूत भी कर जा सके ना। लेकिन रिश्ता में जब भरोसा खत्म हो जाला ना, तो रिश्ता भी खत्म हो जाला। हमके यहां से और आप सबसे बहुत दूर जाए के बाद, बहुत दूर जाए के बाद हमके। डॉक्टर साहब, सब सच जाने के बाद भी आप यह कह रहे बानी, अपन लोग के छोड़ के कैसे जा सके नहीं आप, अपन अम्मा के छोड़ के कैसे जा सके नहीं। रानी सा के साथ हमार कोनो रिश्ता नहीं खे। ये सब कैसे हो गए वीर, हम ना जाना था नहीं। बाकी अगर आप हमरा छोड़ के चल गए नहीं ना बेटा, तो हम भी घर जाए। हमरा माफ करना प्लीज, हमरा माफ करना। इले तू पानी पिया, पराया पराया ही हो खेला, कबो आपन ना हो सकेला। शायद तू और हम हमेशा पराया ही रहब, काहे कि कल के आए लोग तोहार आपन जे हो गए ले। एहसान चुकावे के बहुत शौक चढ़ल बनता रखे, तो चुकावा एहसान। बचपन से लेके आज तक हम जौन कुछ भी कहले बानी तहरा खातिर, वो सब वापस करा हमरा के। बेटा अपन माँ के छोड़ के बच जाए बेटा। छोड़िए हमके रानी साहब, रानी साहब प्लीज। हमके आपसे कुछ ना चाहिए, ना आपके माफी और ना ही आपके प्यार। जा रहल बानी हम। वीर बेटा प्लीज, हमरा छोड़ के मत जाए। वीर राजेश्वरी कहाँ हो गई? राजेश्वरी वीर के रोकी प्लीज, वीर राजेश्वरी।
राजेश्वरी संभाल के अपना राजेश्वरी वीर के वापस लेके आ जाए। सब ठीक हो जाए राजेश्वरी। वीर के ले आए हमके कोनो भी तरह डॉक्टर साहब के रोके के होखे और ये घर के टूटे से बचावे के होखे। ये सब सही कहा था लघुवीर, राजेश्वरी ही तहार माँ की। अगर आप हमरा के छोड़ के चल गए दीदा बेटा तो हम पे घर जाए, हमरा माफ कर दा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहा हलवानी आप? रानी कहीं भी जाइब लेकिन यहाँ से दूर। कैसन बात कर रहल बानी आप? आप अपन ही घर छोड़ के कैसे जा सकेनी? दोबारा लौट के ओ घर में ना जाइब रानी, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर साहब आप जे कुछ भी कर रहल बानी गुस्सा में कर रहल बानी, ऐसन कोनो काम मत करी जिसे बाद में पछतावा होखी आपके। रानी हो गई आपके, बोल लेनी आप जोन बोले के रहल, अब चली। डॉक्टर साहब एक बार वीर। वीर बेटे हमार बात सुनबा। देखा बेटा, हमरा यकीन बा तू अगर कोनो फैसला ले ले पड़ा तो फैसला सही होई। तारा वापस ई घर में ना जाए के चाहे। लेकिन एक मतलब ये नहीं है वीर कि तारा अकेला रहे के जरूरत पा। तारा ना हमरा, हम बाप बानी तार वीर। तो चल के हमरा साथ है, हमरा घर में भी तो रह सका तारा। सब कुछ पा हमरा लगे, सब कुछ बस सिवाय सिवाय आपन बेटा के। बेटा जिंदगी में हम बहुत बड़ा बड़ा गलती कर ले बानी, आज किस्मत हमरा के हूँ गलती सुधारे के मौका दे ले पा। प्लीज बेटा आ, 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 आप चले हमरा साथ है। डॉक्टर साहब हम आपके संगे चलब। हमरा के हमार बेटा मिल गई, हमरा के हमार वीर मिल गई, हमरा के हमार सारा खुशी मिल गई बेटा। हम तरह के कोनो चीज के कोनो कमी महसूस ना होके थे, एक दूसरे के सहारा बने हमनी के। तू तू हमार बेटा हुआ, हमार वीर हुआ तू, हमार वीर। चले चल। रानी का भाईल? हम हमार घर छोड़ के कहीं ना जाइब।
रानी सा के साथ हमार कोनो रिश्ता नहीं है। हमके आपसे कुछ ना चाहिए, ना ही आपके माफी और ना ही आपके प्यार। पहले हमार बड़ बेटा हमके छोड़ के चल गए, और अब जब इतना सालन बाद वो वापस आ गए, तब परिवार जुड़ल ना बल्कि और बिखर गए। अब हमार वीर हमसे दूर चल गए। मासा, रानी वीर के वापस ले आवे गई बिया। हाँ, वो वापस आई है। उकरा वापस आवे के ही पड़ी हमनी सब खातिर। और वैसे भी कल उकर जन्मदिन भी बा। ता आप देखब, हर साल के तरह इस साल भी वो अपन जन्मदिन अपन परिवार के साथ ही मनाई। आप लोग चिंता मत करिए। आपके पूरा परिवार की चिंता बा, हमार ना। ऐसे अकेले जाए देव हमके आप? आपके जाए न देवे चाहतानी तब्बे तरुके खातिर कहतानी ना। हम आपके खातिर कुछ गलत थोड़ी ना चाहे डॉक्टर साहब। लेकिन रानी, रानी बेटा, आप जन कहतानी ना, वो शायद सही बा, शायद ना। वीर के समझाए के वक्त नहीं है रानी, वीर के समझे के वक्त बा। जरा सोची ना बेटा, ए जरह के उकरा उस सब याद आई जो नुकरा ऊपर बीतल बा, त ए जैसे चल जाली बेहतर बाना। देखी, हम जानत आनी इनके साथ जे भाईला गलत भाईला, परंतु इतना साल में जे रिश्ता निभाईले बाड़न वो खोखला थोड़े ना। ऐसे बीच रास्ता पे सबके छोड़ के तो नहीं जा सके लन्ना, वो भी तो ठीक नहीं किया उखी ना। देखिए डॉक्टर साहब, हम माने नहीं कि आप रानी सा से बहुत नाराज बानी, हमरा से भी रहनी तक सब कुछ छोड़ छाड़ के चल गए रहनी का आप। देखिए थोड़ा टेम दी चीज अपने आप अपन सुर पकड़ ली। देखिए केहू के भी अकेला रहे की जरूरत नहीं है, हमने सब साथ में मिल के रह सके नी। घर में जगह हाँ, बस दिल में जगह बनावे क्या। डॉक्टर साहब, हम जाने नी जे भी सही है ना, आप वह फैसला ले, प्लीज मान जाए। रानी, ए बार ना रानी, घर परिवार से बनेला डॉक्टर साहब, और हम उहे रहे चाहता नहीं जहां हमार परिवार है, और ये भी चाहे नहीं कि आप हमरे साथे रहे, यही से वापस जा रहल बानी। हमके पूरा यकीन है डॉक्टर साहब कि आप अपन घर वापस जरूर आए, भले ही आप अभी नाराज बने, पर हम आपके जाने नहीं आप कबो भी अपन परिवार के ऐसन हालत में छोड़ के ना जा सकब। रानी बेटा, वीर, वीर,
बेटा हमके हमके माफ कर दी। आपकी कोनो बात के माफी मांगे की जरूरत नहीं है दादी सा। वीर बेटा हमें हमरा समझ में क्या होत कि हम आई एम सॉरी बेटा, हम तोहरा इतना साल तक अंधेरा में रख दी। हमरा माफ कर दा। उन्हें रुक जाई रानी सा, अब जितना हमरा पास आवे के कोशिश करत रहब उतना ही हम आपसे दूर जात रहब। कहे कि ना तो हम कुछ भूलल बनी ना ही हम आपके माफ कैले बानी। हम यहां बानी तो सिर्फ रानी की वजह से, और अगर यहां ठहरे के फैसला ले ले बानी हम तो एक खतर ले ले बानी, कहें कि हम दादी सा के अपन बेटा से और पापा के अपना भाई से दोबारा अलग नहीं करके चाहत। आप हमार कोनो भी वजह के हिस्सा नहीं थी वीर। रानी सा प्लीज, जब तक हम यहां बानी हमसे जितना हो सके उतना दूर रहब। आज तक बहुत सारा गलती कही नहीं वीर, लेकिन अब तो हर नाराजगी हम खुद दूर करब। जोन प्यार खातिर इतना साल तू तरसले बारा बेटा, अब तो हर माँ उतर के थी। कल तो हर जन्मदिन बा, हम कल के दिन तोहरा खातिर सबसे खास बना दे बेटा, खास बना दे। समझ में ना आ रहा है बाकी हम आपके कैसे शुक्रिया अदा करें बहू रानी। अरे आप हमार बेटा वीर और रण विजय दोनों के घर वापस ले आई नी उकरा खाते। अरे कैसन बात कर रहा हलवानी आप? आप देखब कल डॉक्टर साहब के जन्मदिन है, माँ बेटा के बीच में जो दूरी है ना सब मिट जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, रानी सही आपके माँ बानी। ये सब सही कहा था लखवीर, राजेश्वरी ही तहार माँ ही। राजेश्वरी ही आपके माँ बिया। ये सब सही कह रहा बड़े वीर, राजेश्वरी ही तुहार माँ ही। हमकी बहुत खुशी है कि आप अजय रुके के फैसला लेनी
लेकिन हम खुश नहीं खिरानी। काहे फोर्स करनी आप हमके वापस आवे खातिर? काहे ना चलनी हमरा संगे? अंदर ही अंदर दम घुट रहल बा हमारी यहाँ। नहीं कह रहे कि हमके घर में इतना सा बात आपके समझ में काहे नहीं खे आ रहा? झूठ बोला था नहीं आप डॉक्टर साहब। अगर सच में रानी सा से दूर जाए चाहती तब इससे बेहतर मौका ना रहे आपके पास। परंतु आपके अंदर जे प्यार है ना उनके खातिर, वापस खींच ले लिया आपके उनके पास। आप एक दिन भी शांति से ना बिता सकेले उनकी आवाज सुन ले बिना, उनका चेहरा देख ले बिना, तो फिर सारा जिंदगी दूर जाए के बाद कैसे करता नहीं आप? इस सब आपके वहम बराने। ना तो हमर माँ बाड़ी और ना ही हम उनसे प्यार करेंगे। कुछ नहीं किया हमारा मन में उनका खातिर। जुबान चाहे लाख कोशिश कर ले डॉक्टर साहब, परंतु आंख सच न छिपा सकेला।